कोशिश कभी मांग उठाओ ये कैसा क्षण है कि हम सब लोग अपने आत्मीय अपने प्रिय किसी के लिए नेता है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए चाचा है, ऐसे एक विराट व्यक्तित्व के स्वरूप श्री बलरामजी दास टंडन जी के निधन के बाद उनका स्मरण वंदन करने के नाते हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य संत सुधांशु जी महाराज ने उनके संदर्भ में विभिन्न वाक्यों को कहा है, हमारे जीवन का एक कटु सत्य है कि व्यक्ति जन्म लेता है तो रोते रोते लेता है, थोड़ा बड़ा होता है तो मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शिकायत करते करते बड़ा होता है। और एक ऐसा समय आता है कि जब अपनी जीवन यात्रा को पूरा करता है तो लोग रोते रोते उसको विदा करते हैं। जीवन का प्रारंभ रोने से और जीवन का अंत रोने से इस जीवन के बीच का क्षण आनंद में कैसे बने, उसको हम दूसरों के लिए समर्पित कैसे करें, ऐसा कोई करता है तो उसे अनंत काल तक लोग याद रखते हैं। मैं समझता हूँ आदरणीय बलराम जी दास टंडन जी उन शख्सियत में से थे जिनको देश के सर्वोच्च नेताओं का इसमें प्राप्त हुआ। कठिन परिस्थितियों में राजनीतिक यात्रा को उन्होंने पूरा किया और इमरजेंसी में जेल में भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन अहंकार को अपने जीवन में नहीं आने दिया। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना विशेष शोक संदेश आदरणीय टंडन जी के लिए प्रेषित किया है। हम सब की संवेदनाएं आदरणीय संजय टंडन जी और उनके परिवार के प्रति हैं कि वो इस दुख को सहने की शक्ति प्राप्त करें। और आदरणीय बलराम जी दास टंडन जी के जो जीवन का जो उनका लक्ष्य था, सर्वे समानता, समन्वय, संवाद और सबके साथ समान व्यवहार, उस गुणों को वो आत्मसात करें। मेरी और उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से मैं पूज्य बलरामदास जी टंडन के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर को सदगति प्रदान करें। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि सदगति प्रदान करें कि व्यक्ति एक शरीर को छोड़ता है, आत्मा व्यक्ति के और दूसरे शरीर में प्रविष्ट करती है, गतिमान है, चलायमान है। हिंदू संस्कारों में सपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं है। ईसाई धर्म में मृत्यु होने के बाद में कब्र में दफना देते हैं, मुस्लिम धर्म में मृत्यु के बाद में कब्र में दफना देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और संस्कृत में कहते हैं कि आत्मा चलायमान है, गतिमान है, एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आदरणीय बलरामदास जी टंडन की आत्मा जहाँ भी होगी गतिमान है, वो फिर से इस भारत भूमि में जन्म ले और सदगति से वो प्राप्त हो, सद गुणों से जो आज वो बनी हुई उनकी आत्मा है वो निश्चित रूप में फिर से पुनर्जन्म ले और पूरे देश का, पूरे प्रदेश का मार्गदर्शन करने की जो शक्ति है वो हम सबको प्रदान करे। यही ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति।